हेलो गाइस, कैसे आप सब। और आज फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो भाई 12 जुलाई जो है बहुत ही ज्यादा जल्दी आने वाले, सबसे 3 दिन रह गए हैं। और इन 3 दिन के अंदर भाई आपको पता है बहुत ही ज्यादा हंगामा मचा पड़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं ने हंगामा मचा रखा है, यहाँ पे नथिंग ने भाई काफी ज्यादा भसड़ मचा दी है मार्केट के अंदर। फोन की स्पेसिफिकेशन हो गई, फोन का डिजाइन हो गया, फोन के डब्बे हो गए, फोन के बारे में बहुत सारी चीजें जो हमें पता चल चुकी है, और बहुत ही ज्यादा हमारा ऐसे कह सकते हो प्रॉपर्टी बना दिया है। पहले भाई साहब 2000 रुपए के पास के लिए हम लोग सभी लोगों ने भाई भसड़ मचाई कि भाई हमें दे दो, गरीब है, हमारे को नहीं मिल रहा। और बाद में भाई सभी को बांटे नथिंग ने, तो ये बहुत ही ज्यादा अजीब चीज थी। मतलब नथिंग ने क्या किया कि पहले जो था इनवाइट सिस्टम के साथ सभी को बोला कि भाई आप आओ, हम आपको इनवाइट कोड भेजेंगे जब भी आपको फोन मिलेगा। तो हम लोगों ने भाई जल्दी जाके साइन अप कर लिया और हमें लगा मस्त इनवाइट कोड आ जाएगा, हम फोन ले लेंगे। हमारे पास आया नहीं। और जिस दिन भाई साहब प्री ऑर्डर स्टार्ट होने वाले थे फोन के, उससे एक रात पहले भाई साहब इन्होंने फोन को कर दिया ऐसे, जाओ सभी को दे दो, जाओ जाओ जाओ। तो अब कोई भी बंदा जो है इसके 2000 रुपए का जो पास है वो खरीद सकता है और सभी को फोन मिल जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा वियर्ड था। और मुझे ऐसा लगता है जिन बंदों को पास है, इनवाइट था, जिसने प्री ऑर्डर किया उनको थोड़ा सा स्पेशल गिफ्ट देना चाहिए। भला ये मेरी थोड़ी सी इच्छा हो गई। बाकी अब बात करें अगर फोन की और चीजों के बारे में, तो यहाँ पे बहुत सी चीजें जो भाई लीक होकर आ गई हैं। तो अभी लेटेस्ट आज की ताजा खबर जो आ रही है नथिंग की तरफ से, वो ये है कि कल जो है उन्होंने हमारे को पहला लुक दिखाया बॉक्सेस का। मिठाई वाले डब्बे वाले हो गए पूरे बॉक्स, बिल्कुल बर्फी के डब्बे। और सेकेंडली हमारे को यहाँ पे कैमरा सैंपल्स दिखाए इस फोन के। इसमें जो मेन कैमरा यूज किया जा रहा है वो है 50 MP का IMX766 वाला सेंसर। और ये जो सेंसर है ये काफी और फोनों में हमारे को देखने को मिलता है, जैसे कि नॉट 2T के अंदर भी यही सेम सेंसर आता है, Realme GT 2 Pro के अंदर भी यही सेंसर आता है। और जैसे सेकंड कैमरा फोन के अंदर है वो है 16 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर, जो कि आपको 114 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू देगा। काफी वाइड रहता है 114 डिग्री का। और जैसे इस प्राइस सेगमेंट के अंदर इस फोन के अंदर दोनों ही सेंसर्स के अंदर OIS देखने को मिलता है, यस ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन। तो जो कैमरा सैंपल्स यहाँ पे हमें जो दिखाए गए हैं उससे मेरे को लग तो ये रहा है, देखो भाई फोन प्रॉमिसिंग। लेकिन मैं कभी भाई ऑफिशियल फोटोज को जान के उनको देख के ऐसा नहीं सोचता कि भाई कैमरा तगड़ा होगा, क्योंकि जब तक हमारे पास नहीं आता, हमारी कंडीशन के अंदर फोन नहीं आता, तो हमें जब तक टेस्टिंग करके नहीं पता चलता कि फोन का कैमरा असली कितना ताकतवर है। क्योंकि जब भी कंपनीज कोई भी ऐसे आप कह सकते हो फोन के सैंपल दिखा देते, तो अपना पूरा प्रोडक्शन लगा देती है उसके अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी निकालने के लिए। बट अब वही है, पोस्ट प्रोसेसिंग फोटोज की कैसी रहेगी। सेकंडली यहां पे फोन के भाई डब्बे दिखाए गए। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल उठ कर आ रहा है मन के अंदर, वो है कि भाई क्या चार्जर होगा या नहीं होगा। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद फोन के अंदर चार्जर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डब्बा कुछ ज्यादा ही बड़ा है। नथिंग के जो बॉक्स है भाई वो कुछ इस तरीके के जैसे वीवो X80 के आते हैं। अब ये जो बॉक्स अगर देखोगे पास से तो काफी ज्यादा मोटा है उस बॉक्स के अकॉर्डिंगली। और इसके अंदर जो था भाई वीवो वाले जो थे हमारे को डब्बे में अडैप्टर बहुत कुछ दे रहे थे, तो उस वाले डब्बे के अंदर शायद अडैप्टर हमारे को नहीं देखने मिल सकता, क्योंकि वो डब्बा इससे भी पतला है। अब यहाँ पे भाई मेरे को ये नहीं समझ आया कि भाई इतना बड़ा डब्बा बनाने की जरूरत ही क्या थी, जब वो इतने छोटे से में भी काम कर सकते थे। क्योंकि देखो भाई एप्पल के अगर तरीके से चलना है तो एप्पल तो इतने छोटे में भी काम कर रहा है विदाउट लाइक अडैप्टर। अब मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ जिस फोन के साथ अडैप्टर नहीं आता, वो ये कि भाई अडैप्टर जब आप एक्स्ट्रा लेने जाते हो तो आपको ऑब्वियसली उसकी जो पैकेजिंग है वो सब है वो और ज्यादा देखने को मिलती है। तो इससे बेटर है कि भाई बॉक्स के अंदर दे दो या फिर ऑप्शन दे दो हमें इसके साथ आप लोग बंडल कर सकते हो 200-300 रुपए एक्स्ट्रा लेके, जैसे सैमसंग ने भी करा था अभी। तो मतलब ये चीज मुझे थोड़ी सी देखने को अभी लग रही है अजीब, बट देखते हैं क्या होता है। बाकी फोन का डब्बा थोड़ा बड़ा है यूजुअल साइज से, जो मुझे अजीब लगा। पेड़ों से हमें भाई बहुत ज्यादा प्यार है, आप देख सकते हो आजू बाजू हमारे बहुत सारे पेड़ है। तो यहाँ पे भाई नथिंग भी बोल रहा है कि उन्हें भी पेड़ों से प्यार है। यहाँ पे रिसाइकल मटेरियल काफी ज्यादा यूज करा है, जैसे कि फोन की जो बॉडी है उसके अंदर यूज करा जा रहा है इस बार 100% रिसाइकल एल्युमिनियम, तो एक अच्छी चीज है। मतलब भाई ऑब्वियसली फोन को इस तरीके से बनाया जा रहा है। और यहाँ पे बोला गया कि जो फोन का बॉक्स है पूरा रिसाइकल मटेरियल से यूज करा गया, यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक यूज नहीं करी गई है। इसके जो बोर्ड्स के अंदर सोल्डरिंग हो रही है ना, उसके अंदर भी जो टिन यूज हो रहा है वो भी भाई रिसाइकल मटेरियल से। मतलब फोन काफी ज्यादा ऐसे आप कह सकते हो हरा भरा आएगा हमारे सामने। तो ये चीज है, मतलब नथिंग ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बट आप देखते हैं कितना सस्टेन करते हैं, क्योंकि ओवरऑल सारी चीज आती है सस्टेनेबिलिटी कितनी होती है इन चीजों के ऊपर। मतलब आपको पता है वही एनवायरमेंट वाली चीजें कि भाई हम एनवायरमेंट को आगे लेके जा रहे हैं। अब ऑब्वियसली भाई फोन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने मिल जाती है, जैसे कि पीछे बहुत सारी LEDs लगी हुई अराउंड 900, और वो अलग अलग पैटर्न्स बनाती है जो कि ग्लिफ इंटरफेस से चलता है। और रही बात देखो इनका जो नथिंग OS है वो कुछ इस तरीके का आएगा, हमने इसमें डाल लिया लॉन्चर वही वाला ऐसे दिखाने के लिए आप लोगों, तो ये कुछ इस तरीके का रहेगा। बाकी काफी ज्यादा क्लीन रहेगा ये तो बात पक्की है, क्योंकि काल पे जो है ना उनको थोड़ा सा क्लीन लुक ज्यादा पसंद है। OnePlus में भी उन्हें थोड़ा ऐसी था, स्टॉक एंड्रॉइड से वो काफी ज्यादा वो रखते हैं। बाकी यहाँ पे एक चीज आपको दिखाऊं तो जो बेसिकली अगर कस्टमाइजेशन में आते हैं ये जो टेक्स्ट है ना कुछ इस तरीके के, वो वाले टेक्स्ट जो है उस फोन में हमें देखने को मिलेंगे हर एक जगह पे। और साथ ही साथ देखो अभी जो है ना ग्लिफ इंटरफेस जो आपको पता है लाइटें अलग अलग तरीके से बिहेव करती है, नाचती है, डांस करती है, तो वो जो इंटरफेस है वो ये लोग एप्लीकेशन के साथ लाइक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन साथ भी काम कर रहे हैं। और फिर जो हमारी मोस्ट पॉपुलर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी होंगी, उनकी नोटिफिकेशन के साथ भी ग्लिफ इंटरफेस वर्क करेगा, जो कि थम्स अप है भाई मेरी तरफ से। तो यहाँ पे हमने 778G काफी ज्यादा फोनों में देखा है, लेकिन अब जो है ये 778G
प्लस यस बहुत बड़ा नाम ये इसके अंदर आ रहा है। लेटेस्ट प्रोसेसर है, थोड़ा सा आपके तो हल्का हल्का ट्विक करे जाएंगे इसके अंदर जो फोन है उसको थोड़ा सा स्टैंड अपार्ट करने के लिए, और ऐसा कुछ ज्यादा आपको बड़े डिफरेंसेस नहीं देखने मिलने वाले। यहाँ पे अगर 870 होता स्नैपड्रैगन का तो मजा भाई अलग ही हो जाता, दुगना हो जाता, बट ऐसा नहीं है, चलो कोई नहीं। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो फोन है ना उसके सामने से अगर आप लुक देखोगे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा, लाइक आपको सिमेट्रिकल बेजल्स देखने मिलती है बॉर्डर्स बेसिकली, तो ये काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, लाइक मॉडर्न लुक देते हैं और फोन को एक अच्छा एस्थेटिक देते हैं। और साथ ही साथ भाई फोन के अंदर आपको इधर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भाई फोन के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड करी है प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि इस फोन का जो प्राइस है वो अराउंड होने वाला है 35,000 रुपए लगभग, मुझे जो लग रहा है गट फीलिंग आ रही है, लाइक 30 से तो ऊपर होगा 35 से नीचे होगा इतना तो भाई लग रहा है मुझे, लाइक बेस मॉडल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और भाई होना भी मंजूर है क्योंकि भाई फोन के अंदर काफी सारी चीजें जो है भाई थोड़ी महंगी वाली। अब एक और चीज है यहाँ पे जो कि ना फोन के अंदर बहुत ही ज्यादा यूनिक है, वो ये कि फोन के अंदर आपको इस रेट के अंदर वायरलेस चार्जिंग देखने मिलती है और साथ साथ रिवर्स वायरलेस चार्जिंग देखने मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए फीचर है पर्सनली, क्योंकि जैसे मान लो इनका नथिंग एयर वन आता है ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, अब आपको भाई कुछ नहीं करना, अगर चार्ज करने को फोन के पीछे रखना है और भाई फोन जो है इसको चार्ज कर देगा, तो ये मेरे को अच्छा लगा और इस प्राइस सेगमेंट के अंदर इसमें हो रहा है तो एक अच्छी चीज है। अब आती है भाई लास्ट में, जैसे प्राइसिंग हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भाई डिस्काउंट और ऑफर भी मिलेंगे, फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव ये फोन है तो यहाँ पे डिस्काउंट जो मिल रहा है वो है HDFC की तरफ से। अगर भाई आपके पास HDFC का कार्ड नहीं है ना आज के टाइम पे तो आप लोग मान लो भाई साहब, और है अगर जैसे मेरे पास है भी लेकिन उसके बाद लिमिट नहीं है, तो भी ऐसे मान लो नहीं है, तो HDFC के ऊपर आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलेगा इस फोन के ऊपर, तो अराउंड फोन की जो इफेक्टिव कॉस्ट है बढ़िया बढ़िया हमारे को देखने को मिल जाएगी। बट हाँ अगर बस कार्ड है तो आपके भाई 4 चांद लगे, और अगर नहीं है तो भाई किसी दोस्त का चुरा लो या फिर उससे पूछ लो भाई दे सकता है तो बढ़िया ही रहेगा। तो बस यार यही थी वीडियो, काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, 12 जुलाई को देखते हैं भाई इतनी जो हाइप बनाई है उसका निष्कर्ष अब क्या निकल कर आता है, क्या ये सच में फोन दे पाते हैं सबको टाइम से, क्या जो उस बंदे ने पास लिया है जिसने प्री ऑर्डर करा उसको कुछ स्पेशल मिलता है, कुछ स्पेशल डिस्काउंट या कुछ, ये सारी चीजें मेरे मन के अंदर सवाल बहुत ज्यादा है। जब हाइप क्रिएट हो जाती है तो भाई सवाल भी बहुत ज्यादा उठते हैं, और अगर वो सवालों का आंसर ना हो तो गुस्सा भी आता है। तो बस यार आप लोग बताना आप लोग क्या सोचते हो नथिंग फोन 1 के बारे में, मुझे तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, देखते हैं प्राइसिंग क्या रहती है, और अगर मेरी जैसी ये जो हमने एज्यूम करी अगर यही रहती है तो मजा ही आ जाएगा। बस यार ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ओ गाइस बाय बाय।